साल ये करते हैं और मैं तकरीबन पिछले 3 साल से आ रहा हूँ। और ये यूनुस भाई हैं, वसीम भाई हैं, शमीम भाई हैं, ये सब लोग मिल के करते हैं। सब अपने जितने पुराने दोस्त यार उन सबको बुलाते हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि गौस पाक की याद में ये माने खाने पीने का फातिहे वगैरह का इंतज़ाम रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, नेक काम है। और हम लोग अगर मुंबई में हैं तो कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में शामिल हों, जैसा कि आज हुए हैं। क्या दुआएं रहेंगी आपकी तरफ से इनके लिए? देखिए, दुआएं तो ये है कि सबसे पहले तो इनके लिए दुआएं हैं जिन्होंने ये दावत रखी है। मालिक इनको खुश रखे, इनको लंबी उम्र दे, इनकी फैमिली को खुश रखे, इन्हें कामयाबी दे। उसके बाद आज जो माहौल चल रहा है हमारे देश में, हमारे मुल्क में जो आज जो अफरा तफरी है, जो हम आपस में बांटने की कोशिश हो रही है, ये बांटना न हो। हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस का जो प्यार है जैसे पहले था वैसे ही कायम रहे। और मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि कोई भी अफवाह के लोग न आए, अपना जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांति से करें। और चूँकि ये अधिकार हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है तो अपना हक मांगना भी ज़रूरी है अपने, लेकिन अपनी बात कहना बहुत यानी शांतिपूर्वक अपनी बात कहना चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ कि इस मुल्क में दुश्मनों की जो नज़र लगी है वो दूर हो और आपस का भाईचारा फिर से कायम हो जाए। बड़ी मात्रा में सरकारी संपत्तियाँ जो है वो नुकसान हो रही हैं, लोग इसका ख्याल नहीं कर रहे, हमारा देश पीछे जाएगा, इसके लिए क्या संदेश है? उन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि देखिए, जो भी नुकसान होगा मेरा खुद का नुकसान होगा, उस पर टैक्सेस बढ़ेंगे, हमारी प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो रही है, तो ऐसा न करें, अपना प्रोटेस्ट रखें शांति से, आराम से, प्यार मोहब्बत से। आज यहाँ दावत में आई हूँ और मैं पहली बार आई हूँ। वसीम जी और शमीम जी ने मुझे दावत दिया है और इसमें यूनिस जी भी शामिल है, तो मैं यही दुआ करूँगी कि सबका अल्लाह ताला सबका जायज दुआ पूरा करे और हमारा हिंदुस्तान मिलजुल के रहें, सब प्यार से रहें, यही दुआ करूँगी मैं। कहना चाहूँगा ये जो फातिहा जिनका है गौस पाक, ये वलियों के वली थे, तो बहुत बड़ा मर्तबा था, इन्होंने मुर्दे को जिंदा किया था, इनका वो मर्तबा था, बहुत जलाली पीर थे ये, तो ये बहुत बड़ी तवारीख है ये। और जितने भी वली हैं उनके सरदार थे, उनका ये फातिहा जिसमें हम सब लोग शामिल हो गए। देखिए, ये तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने इनको नवाजा है, अल्लाह ने इनको एक ताकत बख्शी है और ये वलियों के जरिए हमें भी अताएँ होती है। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, तो उसमें मैंने जो है एक ही मतलब
एक ओवर में 4 विकेट लिया, हैट्रिक के अलावा 4 विकेट भी लिया। तो क्रिकेट का तो मैं बचपन से ही जो है बहुत प्यार करता हूँ, खेलता भी हूँ, जहाँ मौका मिलता है शूटिंग से फ्री रहता हूँ। और हम लोग जो सीसीएल खेलते हैं, हम लोग का भी जो है सीसीएल 2020 में होगा मुझे लगता है, और आईपीएल का जो है 2020 होने वाला है उसके लिए जो है बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी जो है शुभकामनाएँ कि ये एंटरटेनमेंट जो है हमेशा होता रहे और हमारे देश के जो है जनता को, हमारे देश की आवाम को ऐसी जो है एंटरटेनमेंट मिलता रहे क्रिकेट से भी और हर चीज़ों से भी। देते हैं कि हमें जो है हमें जो हमें आप सरकार बनाइए, हमें आप जिताइए, जब आपकी सरकार किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस समय तो आप जनता आपके लिए जो है बोलते हैं जनता हमारी, आप हमारे भगवान हो, ये शब्द ये डायलॉग रहते हैं। और वही लोग जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं उसी भगवान को लात से मारते हैं, मतलब कि भिखारी से भी बदतर की स्थिति हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देश में कानून बनाएं, अच्छी बात है, लेकिन वो कानून बनाएं जो हमारे देश के जनता, हमारे देश की आवाम, हमारे देश की नागरिकों के लिए अच्छा हो, हेल्पफुल हो। अगर आपको नियम कानून संशोधन करना है, बनाना है, तो सबसे पहले आपने देखा भी जो है हमारे देश में बहुत सारी उत्पीड़नें हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं औरतों के, बच्चियों के, तो आपको अगर इतना कानून बनाने का तो पहले उसमें बना लिए होते, पहले ये भी है, अगर आपके देश के, अगर कैप देश के हित में तो मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आपको कानून इस पर बनाने चाहिए जो हमारे देश में बच्चियों का, औरतों का रेप हो रहा है उस पर आप ये बना देते कि जो रेप करेगा, जो जिसको ये प्रूफ हो जाएगा कि जो शख्स, जो व्यक्ति ने रेप किया है उसको फांसी होगी, ये भी आप बना सकते थे। तो आपने उस पर तो कोई जोर जबरदस्ती दिया नहीं, वो कुछ दिनों तक न्यूज़पेपरों में चला, मैगजीन में चला, चैनलों में चला, आज जो है बंद कर दिया आपने। आज प्याज की कीमत 200 रुपये किलो है, कैसे गरीब जीवन जिएगा? कभी हमारे देश की सरकार इस पर क्यों नहीं दिख रही है? हमारी जीडीपी बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है, इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है, इस पर क्यों नहीं बातें हो रही है? मैं ये कहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, प्लीज़ आप लोग देश की जनता की सोचिए, है ना, जनता को बांटिए मत, हम सब एक हैं। जय भारत, जय हिंद। इसमें एक हम लोग फिल्म करने वाले हैं दीवार, और हमारी एक फिल्म आ रही है जाल, आ रही है हमारी फिल्म, और इससे पहले भी भाग खेसारी बात तो आ चुकी है, जाल आ रही है और दीवार आ रही है खेसारी लाल जी के साथ। अपने दर्शकों से ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा अयाज खान को इज्जत दिया है, प्यार दिया है और सम्मान दिया है, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ऐसी इज्जत प्यार हमेशा मुझे देते रहें, और मैं यही कोशिश करता हूँ जब भी किसी फिल्म में एक्ट करता हूँ कि कितना अच्छा काम कर सकूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अपना कीमती समय और पैसे लेकर आते हैं हमारी फिल्मों को देखने के लिए, तो आप लोग निराश ना होके जाएं, मेरी यही ख्वाहिश रहती है, यही कोशिश रहती है। और आप लोग सभी देशवासियों से कहूँगा अपने देश के कि प्लीज़ आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, मिलजुल कर रहें, हम सब एक हैं और ये देश हम सबका है। जय भारत, जय हिंद, लव यू ऑल। मैं बेसिकली बैंगलोर से बिलोंग करती हूँ, बट अभी मुंबई से भी लोग हूँ और काम भी चल रहा है। मैंने अभी दो मेरी रिसेंट में चली है, वेब सीरीज है तन बदन, और सेकंड हमारी हिट मूवी करके उसका प्रोजेक्ट चल रहा है जो 2020 में लॉन्च होगी, आप लोग देखिएगा। एक्चुअली मैं भोजपुरी को पूरा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म ही भोजपुरी से हुआ था, मैंने फर्स्ट मूवी भोजपुरी ही करी थी जिसका नाम हर्रा द रिवेंज ऑफ डेथ है। तो ऐसा नहीं है, काम काम होता है मेरी नज़र में, तो भोजपुरी हो या हिंदी हो, सीरियल हो, वेब सीरीज हो, एनीथिंग, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ, किसी का कंपेरिजन नहीं करना है कि वो बेटर है या वो शो बेटर है, ऐसा कुछ भी। सारी सर के साथ देखना हुआ, जो भी हैं अच्छे लोग हैं,
आसिफ आकी नियाज है और हमारे यूनुस भाई जो हैं बड़े भाई हैं, बहुत बड़े पैमाने पे पिछले 25 साल से कंटिन्यू नियाज कर रहे हैं और इतने सारे लोग आए हुए हैं, ये उनका प्यार है इसीलिए सब लोग आए हुए हैं। और जो भी आर्टिस्ट आए थे, अली खान, मुश्ताक खान और अयाज खान और अपने सवाब साबरी, वो सब हमारे भाई साहब हैं जो प्रोड्यूसर हैं, एहसान खान प्रोड्यूसर की वजह से सब लोग आए हुए थे। और बाकी मीडिया जो आई हुई है, ये मीडिया है, इसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और भीड़ तो बाकी आप देख ही रहे हैं। इसके साथ तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम समाज सेवी लोग यहाँ पे शिरकत करने में, हाँ, उनके लिए क्या धन्यवाद के रूप में रहेगा? देखिए, जो भी प्रशासन आया है, चाहे वो गोरेगांव का हो, बांकुर नगर का हो, मलाड का हो, चार को कांदीवली, हर जगह से दूर दूर से लोग आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन और हमारे जो यूनुस भाई हैं उनका पुलिस में बहुत अच्छा सहयोग है और पुलिस उन्हें बहुत मानती भी है और वो हमेशा बड़े लेवल पे का ही काम करते हैं। ये हमारे भाई साहब का ये कहना है कि जो भी काम करो बड़े लेवल पे करो। अभी हम लोग बहुत जल्द हमारे मुकद्दर का सिकंदर का म्यूज़िक लॉन्च कर रहे हैं, जो भी अभी दो चार दिन में डेट फाइनल हो जाएगी, तो मैं उस समय चाहूँगा कि मीडिया हमारी बड़ी लेवल पर आए और सहयोग करें। सर, इसके पहले खेसारी जी के साथ आपने बड़े बजट की फिल्म किया और दर्शकों को काफ़ी पसंद आई, क्या कुछ तैयारियां चल रही है आप सब की तरफ से, आप दोनों की तरफ से, अपकमिंग में दर्शकों को क्या नया मिलने वाला है? मुकद्दर का सिकंदर मिलने वाला है, मुकद्दर सुपर हिट हुई थी, अभी मुकद्दर का सिकंदर आपको मिलेगी और बहुत जल्द 7 फरवरी को फिल्म रिलीज होगी और जिसमें दर्शकों को एक नयापन मिलेगा। पहली बायोपिक फिल्म है और उसमें दिनेश लाल, अम्रपाली दुबे, अयाज खान, संजय पांडे, नागेश मिश्रा, सब बाकी बहुत बड़े कलाकार हैं, लोटा तिवारी हैं, सीपी भट्ट हैं, बड़ी फिल्म है, बड़े बजट की फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है और सबसे बड़ी बात है पहली बायोपिक फिल्म है। आपका क्या रोल रहेगा उसमें? मैं उसमें एक अलग किरदार में दिखाई दूंगा आपको, जैसा मुकद्दर में मुन्ना दिखाई दिया था, इसमें एक अलग किरदार में दिखाई देंगे और दर्शक पसंद करेंगे उसे। कर्तव्य है और हर भारतीय का कर्तव्य है, इसीलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं।